Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। रामलला की प्रतिमा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में रामलला की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन जो तस्वीरें वायरल हो रही है उसमें इस प्रतिमा की आंखों पर पट्टी नहीं बांधी है। इसे लेकर की जाँच की मांग की जा रही है। भगवान राम की प्रतिमा को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले भगवान राम की मूर्ति की आंखें नहीं खोली जा सकती। जिस मूर्ति में भगवान राम की आंखें दिखाई दे रही है वह असली मूर्ति नहीं है। अगर आंखें देखी जा सकती है तो आंखें किसने दिखाई और मूर्ति की तस्वीरें कैसे वायरल हो रही है इसकी जाँच होनी चाहिए। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसमें अब बस 2 दिनों का वक्त बचा है। इसी बीच चंडीगढ़ में 150 क्विंटल लड्डू बनाने की तैयारी चल रही है। मल्टीप्लेक्स चैन पीवीआर आईनॉक्स ने ऐलान किया है कि वह अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण करने वाला है। देश के 70 शहरों में बने 160 सिनेमा घरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण होगा। अयोध्या में दुनिया की सबसे महंगी रामायण पहुंच गई है। इस रामायण की कीमत 1,65,000 रुपए है। रामायण लिखने के लिए इस्तेमाल की गई स्याही जापान से आयात की गई है और कागज फ्रांस में बनाया गया है। इसे बनाने के लिए अमेरिकी वॉलनट की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। शेयर बाजार ने आज शनिवार के दिन होने वाली अचानक ट्रेडिंग को भी भरपूर एंजॉय किया है और स्टॉक मार्केट जबरदस्त तेजी के साथ ओपनिंग दिखाई है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आखिरी कारोबार सेशन को आज शानदार ओपनिंग का सहयोग मिला है। ग्लोबल बाजारों से मिले अच्छे संकेत भी इसकी बड़ी वजह रही है, क्योंकि अमेरिकी बाजार अपने ऑल टाइम हाई के दायरे में चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हरियाणा के सीनियर नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 1 बजे ज्वाइनिंग होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली सहित उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। इस बीच घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 11 ट्रेनें देरी से चल रही है, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। झारखंड की राजधानी रांची में हुई जमीन घोटाला मामले में एक के बाद एक ईडी के 7 समन के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित होने के लिए तैयार हुए हैं और आज रांची के कांकेर रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी जमीन घोटाला से जुड़े मामले में पूछताछ करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक भयानक सड़क हादसा हो गया। ताजगंज थाना क्षेत्र में एक अर्टिगा गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल गाड़ी को रेस्क्यू किया है। गाड़ी के अंदर 6 लोग सवार थे। सेंट्रल अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रही है। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों के आने पर रोक लग जाएगी। आज से अयोध्या धाम हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो जाएगा। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए गए यूपी पुलिस की तरफ से 3 DIG, 17 IPS और 100 PPS स्तर के अधिकारी अयोध्या में तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र के थाने की एक अदालत ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के संदर्भ में संघ का नाम जोड़ने पर संगठन की एक कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि के मामले में लिखित बयान दाखिल करने में देरी के लिए शुक्रवार को कांग्रेस सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए सोमवार 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसका मतलब है कि इस खास मौके पर महाराष्ट्र में लोगों को एक दिन की छुट्टी मिलेगी। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार करीब है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश की वायुसेना भी अपने रामलला के स्वागत में जुटेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कई राज्यों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। अयोध्या में दुनिया के सबसे बड़े दिए को शनिवार प्रज्वलित किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने मैथिली ठाकुर का एक भजन शेयर किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने NCP प्रमुख शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 24 जनवरी को तलब किया है। रोहित पवार ने ट्वीट कर ईडी से आग्रह किया है कि उन्हें 24 जनवरी के बदले 22 या 23 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया जाए।
टीवी का सबसे चर्चित शो बिग बॉस 17 खूब चर्चा में बना हुआ है। जैसे जैसे फिनाले नजदीक आ रहा है, शो पर रोज नए हंगामे देखने को मिल रहे हैं। वह इस हफ्ते फिनाले टास्क में मनारा चोपड़ा को घर वालों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। अपमानजनक टिप्पणियां के अलावा कंटेस्टेंट ने मनारा के साथ धक्का मुक्की भी की। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर पिछले काफी समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। रूमर्स है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। हालांकि इन अफवाहों के बीच भी कपल कई बार एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए स्पॉट किए गए हैं। वहीं ब्रेकअप रूमर्स के बीच एक बार फिर दोनों को शनिवार की सुबह मुंबई में अमृता अरोड़ा की पार्टी में एक ही कार में निकलते हुए स्पॉट किया गया। 19 जनवरी को बड़े पर्दे पर पंकज त्रिपाठी की मैं अटल हूँ रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को दर्शकों से लेकर फिल्म क्रिटिक्स तक ने काफी पसंद किया है। हर कोई पंकज त्रिपाठी के काम की खूब तारीफ कर रहा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।